नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए, जो कि आपके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हरियाणा सरकार की जो बड़ी अनाउंसमेंट है उसके रिलेटेड अपडेट लेके आए जी। कोई कैंडिडेट स्किप ना करे, स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस होगी। ये देख सकते हो, इसमें देख सकते हो हरियाणा सरकार की ग्रुप सी और डी के 56,354 पदों पर करेगा भर्ती। अभी तक ग्रुप सी का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी भी डेट आगे नेक्स्ट कर दी गई है। तो अभी फिलहाल यही खबर आई है जी, 56,354 पदों पर ग्रुप सी और डी हरियाणा सरकार की भर्ती करेगा। ठीक है जी, विद्यार्थियों को उद्योग जगत में इसे रूबरू कराने के लिए 50 इन्वेक्शन सेंट भी लगाए गए हैं, और इसमें शिक्षा और रोजगार में मानव संसाधन में हरियाणा अग्रणीय राज्यों में शुमार है। ठीक है जी, और अंबाला छावनी में 5 एकड़ में स्थापित किया जाएगा आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, उसमें ये गवर्नमेंट के ग्रुप सी और डी के अंतर्गत ही सारी की सारी भर्तियां की जाएंगी। ये देख सकते हो, हरियाणा सरकार विधानसभा बजट सत्र में पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण के दौरान सदन को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न विभागों की भर्तियाँ लगभग 1,06,000 मौजूदा हैं, और संविदात्मक कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लाया गया है, जो कि वो भी 1 साल के लिए लगाए गए हैं, और उसके बाद समय पर वेतन के भुगतान के साथ साथ ईपीएफ और ईएसआई और श्रम कल्याण से संबंधित भी वैज्ञानिक अनुपालनों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा 6,736 नए उम्मीदवारों को नियुक्त प्रस्ताव जारी कर दिया गया है, और ग्रुप सी के चालू वर्ष में 13,275 पदों पर भर्ती की है, और इसके अलावा 56,356 टोटल में ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती चल रही है। 56,000 टोटल पद हैं जी। ठीक है जी, और एचएसएससी 7,862 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एचएसएससी ने, और सभी जिलों में होगी जी, एक जिलों में नहीं होगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सभी जिलों में होगी। ठीक है जी, और इसमें देख सकते हो 8.2 करोड़ की ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाया है करनाल गांव में, कुटेल स्वास्थ्य, ये सभी अलग अलग बेनिफिट हैं जो ये ग्रुप सी और डी के जो पद पर लगेंगे कैंडिडेट उनको ग्रुप सी और डी के, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी सिर्फ ग्रुप सी के जो पद हैं, ग्रुप सी के पदों पर जो कि आपको मैंने बताई दिया है 13,275 पदों पर भर्ती है, और बाकी जो रह गए ग्रुप डी के बाकी पद हैं वो देख सकते हो आप। ठीक है जी, इसमें कंडीशन यही है भाई, पहले जो ग्रुप सी में सेलेक्ट हो जाएगा वो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं दे पाएगा। ठीक है जी, अभी तक इनके आर्थिक मानदंड के जो केस चल रहा है उसका कंक्लूजन क्लियर होने के बाद ही ग्रुप डी की पदों की भर्ती निकलेगी, और सबसे बड़ी बात है हरियाणा के ग्रुप सी डी के टोटल 56,354 पदों पर भर्ती निकलने वाली है, पूरी की पूरी भर्ती हरियाणा सरकार करने वाली है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जैसे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।